दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर आपका किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जियो सिम में नो नेटवर्क के प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। कभी कभार नेटवर्क आते हैं और बीच में नेटवर्क बंद हो जाते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सही करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ। उन तरीके को फॉलो करते हुए आप नो नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और जहाँ कहीं भी सेटिंग्स हो आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। स्मार्टफोन के सेटिंग के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्शन सेटिंग का। कनेक्शन सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कनेक्शन सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास मोबाइल का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कनेक्शन सेटिंग का। और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन रहता है मोबाइल नेटवर्क का, आपको मोबाइल नेटवर्क पर जाना है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर दोस्तों रोमिंग डेटा को आप ऑफ़ कर लें अगर आप रोमिंग डेटा में नहीं है तो, अदरवाइज़ एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। फिलहाल के तौर पर तो रोमिंग डेटा में कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन ये पहले लगा करते थे, तो इसको आप ऑफ़ कर लें। उसके साथ दोस्तों सिम फर्स्ट को आप ऑन कर लें। हाँ, अगर आप अदर स्टेट में तो आप रोमिंग डेटा को ऑन रखें। सिम फर्स्ट को आप ऑन करें 5G एक्टिवेट को, और यहाँ से 5G ऑटो को सेलेक्ट कर लें और APN सेटिंग को बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें, और यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटर पर जाकर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लें। ऐसा करने के बाद आपके फ़ोन में फुल नेटवर्क आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके में किसी कारणवश नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप यहाँ से पूरी सेटिंग को रीसेट कर लें। क्या पता पहले आपने गलती से किसी कारणवश कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखकर रीसेट कर लिया था, फ़ोन में कोई मिस्टेक आ गई थी, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर रीसेट सर्च करें, एक ऑप्शन आएगा आपके सामने रीसेट मोबाइल सेटिंग। रीसेट मोबाइल सेटिंग पर जब आप जाएंगे तो आपको रीसेट मोबाइल सेटिंग पर जाना है और यहाँ से रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आपके पासवर्ड डालने हैं और आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके फ़ोन की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। और फिर आपके फ़ोन में जब आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो नई सेटिंग के रूप में आपका इंटरनेट चलेगा, जो कि काफ़ी हाई फाई एंड सुपर फास्ट स्पीड से आपका इंटरनेट चलेगा। इन दोनों स्टेप को फॉलो करें, आपके सिम में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपके फ़ोन में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है किसी कारणवश, तो आप नज़दीकी रिटेल ऑपरेटर के पास जाएं, यहाँ पर कस्टमर केयर को कॉल करें कि हमारे ये इशू आ रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, इन स्टेप को फॉलो करिए और आपको हमारी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों, जिन्होंने हमारी ये वीडियो को लाइक नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।